तो यहाँ पे सारे लोग फोटो शूट कर रहे हैं, ये देखिए, और बारिश भी लगी है हल्की हल्की। अब हम लोग खाना पीना खाएंगे, उसके बाद हम निकलने के नीचे अपने चोपता स्टे करेंगे आज। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश लगनी स्टार्ट हो गई और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी मैं बंद करती हूँ अपना कैमरा वैमरा, चलते हैं नीचे, खाना पीना खाते हैं, फिर चलते हैं नीचे। और बस बैटरी भी लो होने वाली है फ़ोन के। तो अभी हम लोग लगभग 3.5 किलोमीटर नीचे आ गए हैं, अभी 2.5 किलोमीटर के अराउंड और बचा हुआ है हमें नीचे जाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, आज हम स्टे में भी चोपता में करेंगे, कोई पता नहीं है, गोपेश्वर भी जा सकते हैं, बारिश पे डिपेंड करता है। बट यहाँ मुझे लग रहा है बारिश आनी स्टार्ट हो गई नीचे। तो ये देखिए आप, धुंध स्टार्ट हो गई, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं नीचे सड़क पे, और अभी हम यहाँ से जाएंगे चोपता, जो कि 0.5 किलोमीटर के अराउंड है। तो अभी हम निकलेंगे चोपता के लिए, ये भी चोपता ही है, बट हमने जहाँ पे स्टे करना वो थोड़ा सा यहाँ से आगे है, तो वहाँ पे हमारा सामान भी है। और अभी हमने रेनकोट पहन लिए हैं, एकदम डरावने लग रहे होंगे क्योंकि बारिश आनी स्टार्ट हो गई नीचे। तो चलो चलते हैं, और आज हमें कैंप में रुकना है, तो देखते हैं फर्स्ट टाइम कैंप में रुक रहे हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आपको ज़रूर शेयर कराऊंगी आप लोग के साथ। तो यहाँ गिरीश जी भी, हेलो, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। सोचा था आपने आप यहाँ आओगे? सोचा तो नहीं था, भगवान ने बुला दिया आगे। तो भगवान ने हमें बुलावा दे दिया था, हम लोग आगे। तो चलो दोस्तों अभी हम चलते हैं, तो चलो दोस्तों अभी हम लोग निकलते हैं चोपता के लिए। वैसे भी ये भी चोपता है, बट हमने जहाँ पे स्टे करना वो इससे थोड़ा। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं चोपता में, जहाँ पे हमें स्टे करना था। तो ये पीछे आप लोग देख रहे होंगे सारे टेंट, तो ये यहाँ पे जो मेरे देवर हमारे साथ आए उनके दोस्त का है, तो अभी हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छे हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम टेंट में रह रहे हैं, और काफ़ी अच्छा है। अंदर का मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा लाइट का इशू है, लाइट आएगी तो मैं आपको अंदर का पूरा दिखा दूँगी कि किस तरीके से बना हुआ है। प्रॉपर टेंट है, ऐसा नहीं है कि आज लगाया कल उठा दो, प्रॉपर टेंट है। और जो भी यात्री लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनका जो भी यहाँ पर रहने का खर्चा होता है, लगभग एक टेंट का 6,000 या 7,000 होता है। तो अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे से मतलब सेट किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब आप किसी गंदे से होटल में हो या कुछ ऐसा वगैरह, बहुत ही अच्छा सा सेटअप किया है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बाकी हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और बारिश अभी बंद हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, और कैमरे की बैटरी भी लो हो गई थी। तो ये हैं वो 4 टेंट, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास अभी एक टेंट ये है, और एक टेंट उसके बगल वाला है, ये 2 टेंट हैं। और जो सामने इसके पीछे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का जो टिन का है बना हुआ, वो है उनका कैंटीन, यहाँ पे खाना पीना बनता है। और ये है उनके रहने का टेंट। तो यहाँ पे अभी 3 टेंट तो हमारे हो गए हैं, 1 टेंट खाली है अभी, बाकी नीचे भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे। ये शेरू भी आ गए, ए शेरू ले, बाकी इधर भी ये बने हुए हैं टिन के रहने के लिए लोगों के लिए। और यहाँ पे भी किसी के ये 4 टेंट वही हैं, और किसी ने उधर बना रखे टेंट, आप लोग देख सकते हैं वो सारे ग्रीन, वो 6-7 टेंट बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि जब यात्री लोग आते हैं। और मेरा हाथा छुए देखो, क्योंकि जब भी यहाँ पे लोग आते हैं और उनको लेट हो जाता है, मतलब जब यहाँ पे सीज़न चलता है तो बहुत ज़्यादा इनकी लोगों की कमाई होती है, और बहुत ज़्यादा यहाँ यात्री भी आते हैं। बट अभी भी सीज़न है तो लोग भी कम ही हैं, मतलब उतने भी कम नहीं हैं ही, बट बहुत लिमिटेड ही हैं, तो सारे भरे पड़े हैं, 1-2 ही खाली हैं जिनके यहाँ पर हम हैं, मतलब जो मेरे देवर के दोस्त हैं, तो जिन उनके अभी हम टेंट में रुके हुए हैं, उनका ही है यहाँ पर टेंट पूरा। तो 2-2 हमारे पास हैं, एक में और भी हैं, और एक खाली है, 4 टेंट होंगे तो एक खाली है। तो अगर कोई यात्री आएगा तो वो लोग वहाँ पर रहेंगे,
बाकी मैं शॉल स्वेटर पहन के फिट हो चुकी हूँ, क्योंकि इतनी भयंकर ठंड हो रही है। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बादल ऐसे चल रहे हैं, वो देखिए बादल सामने पे आप देख सकते हो, बादल ऐसे ऊपर को आ रहे हैं, यूँ करके ऊपर को आ रहे हैं बादल। तो चलो लाइट आती है फिर आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे, अंदर का दिखाएंगे कैसा है क्या है। एक टेंट ये है, एक वो और एक वो है। अभी हल्की हल्की हमारी शानी फिर स्टार्ट हो गई है। ये है हमारा 102 और 202 दो कैंप। तो ये है यहाँ का नज़ारा, होल पहाड़ी, इधर भी पहाड़। यहाँ नीचे भी कैंप हैं, सारे सोलर लगे हुए हैं, सोलर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। यहाँ ऐसी चीज चलती है। तो ये है यहाँ का मज़ा शाम का। अभी 5:30 बजे हैं यहाँ पे और पूरी मस्त लोकेशन है, मज़ा आ रहा है। आप लोग अगर आप आना चाहते हो तो आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे। तो ये कैंपिंग के लिए बहुत मस्त लोकेशन है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और बहुत मज़ा आ रहा है। ये दो हमारे कैंप हैं, ये वाला और उधर वाला, ये दो हमने बुक करें, दो और कोई और करेंगे। एक तो बुक है, एक तो बुक है, एक अभी खाली है शायद। कैंटीन ये पूरा टेंट के ऊपर का है, पूरा व्यू, चार टेंट, कैंपिंग है यहाँ पे। ये कैंटीन है यहाँ पे, खाना पीना सारा। ये है पूरा घर का नंबर, अगर आपको ये टेंट बुक करना है तो आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर है यहाँ पे, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और अपना कैंप बुक कर सकते हो। अपना देसी खाना, ठीक है, आग से, और मज़ा आएगा यहाँ पे। ये घर की दाल रखी है, इसमें गर्म पानी पतीली में, आग से बनेगा पूरा। ये पूरा है यहाँ पे खाने पीने का, सिलेंडर भी है यहाँ पे, लेकिन हम तो प्रेफर करेंगे यहाँ पे। अपना आज कोदे की रोटी बनेगी हमारे यहाँ पे, जो कि मक्के की रोटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोदा को। तो यहाँ पे हम मंडवे की रोटी आज खाएंगे। हमने 4 बंदों के लिए मंडवे की रोटी बोली है, जो की बना कर दी है, क्योंकि हमें वो बहुत अच्छी लगती है वो रोटी। वो इसमें बनेगी आग में। जीरा राइस, आलू से जीरा, वो है सलाद तो नहीं चाहिए। सो अभी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, आप लोग देख सकते हैं बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, लाइट ऑन हो चुकी है। तो चलो मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। तो ये खोला हमने गेट, यहाँ बैठे हैं हमारे यात्रीगण लोग। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, 2 बेड लगे हुए हैं, यात्रीगण साफ नहीं आ रहे हैं। 2 चेयर लगी, 1 टेबल लगी है, 2 बेड लगे हैं और गरम, क्या बोलते हैं, गरम रजाएं, गरम रंग कमल, अच्छा खासा गद्दा, नीचे मैट मोटी, ऊपर ये पूरा देख सकते हैं आप लोग, पानी गिरेगा भी तो पता नहीं चलेगा है, कपड़े का है ना ये सारा। हाँ ये पूरा जैसे त्रिपाल को क्या बोलते हैं, त्रिपाल ही बोलते हैं, त्रिपाल नहीं बोलते यार, त्रिपाल नहीं बोलते हैं, पॉली बैग बोलते हैं शायद, यहाँ दिख नहीं रहे यात्री, थोड़ा लाइट का दिक्कत है। 1 यात्री ये हैं, 2 यात्री ये हैं, 1 यात्री जो वॉशरूम दिखाती हूँ दोस्तों आपको, बहुत अच्छा वॉशरूम है यहाँ से अंदर एंट्री की। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइट दिखेगी, यहाँ पे है वॉशिशन, ये है वॉशरूम, पूरा लंबा वॉशरूम भी काफी अच्छे से डेकोर किया है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपके दोस्त की है ये, इधर आप
क्या बोलूँ मैं, कुछ तो बताओ। बहुत बढ़िया है, आओ देख लो तुम, वीडियो में सब दिख रहा है। यहाँ जरूर आओ और इनसे संपर्क करना, ये आपको थोड़ा सा डिस्काउंट लगा के दे देंगे यहाँ का, है ना। क्या है इनके टैलेंट का नाम? हैवल्स। अच्छा, वो अभी देख रहे हैं, नाम नहीं याद है उनको। और लाइट ये है, ये सोलर की लाइट जल रही है ना यहाँ पे, सारा सोलर का लाइट है यहाँ पे। पहले सोलर है, हेवंस गेटवे के, गेटवे गेटवे हेवंस गेटवे के नाम से है, चोपता में, चोपता बुलखंड में है इनका ये टेंट। अगर किसी को कभी आना हो तो यहाँ जरूर आए और मेरा नाम लीजिएगा, बताइएगा, उनका व्लॉग दिखा तब यहाँ पे आए। आपको इनके थ्रू मैं दिला दूंगी 50% ऑफ। तो ये है हमारा पूरा रूम, एक ये है, एक इसके बगल पे है, वहाँ बाद में दिखाएंगे। तो अभी हम सब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ठंडा है। The next day. बस बस भी नहीं रुकने वाले होने, रुद्रनाथ पल तेरे को बटा पार कौन चमकिया हरियाली हरियाली भयंकर अभी भी आ रही है बारिश, तो ये है अपना कैंप 102 नंबर। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और अभी हम लोग बैठे हुए हैं, आग जल रही है आग के सामने। हमें निकलना था सुबह 7 बजे, मॉर्निंग के सुबह 7 बजे, लेकिन हम लोग नहीं निकल पाए। यहाँ कल रात से कंटिन्यू बारिश आ रही है और अभी भी बहुत तेज़ बारिश आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और हम लोग जैसे कि आपको पता है बाइक में आए हैं, तो बाइक में बारिश में जाना बहुत दिक्कत है, और क्योंकि यहाँ पूरा वैसा इलाका है, पहाड़ मतलब फिसलन वाला इलाका है, जंगल का इलाका है, तो और ज़्यादा फिसलन होगी, इसलिए हम बाइक में अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं कि बारिश थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, फिर हम लोग निकलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से गोपेश्वर का, तो थोड़ा बारिश रुकती है तो चलेंगे। अभी 10:30 हो गई है और सुबह 7 बजे से हम वेट कर रहे हैं कब बारिश बंद हो, कब बारिश बंद हो, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और 10:30 हो गया है। तो देखते हैं कैसे कैसे मौसम सही होता है, फिर हम लोग निकलेंगे। बाहर अगर आपको दिख रहा होगा तो बारिश चल रही है तेज़, मैं आपको भी दिखाऊंगी बाहर। और इधर हमने आग जला के पतीले में पानी है, यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं, ये चेहरा नहीं दिखाएंगे। आग जला के पाँव हो गए ठंडे और थोड़ा सेक रहे हैं। मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ ज़रा जाके। ये है वो कैंटीन जहाँ हमने खाना खाया, इन भैया ने बनाया। बाहर भी ऐसा है, ये टिन सेट है इनका कैंटीन का। ये देखो यहाँ फोन बात कर रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए यहाँ सुबह से ऐसी बारिश चल रही है, पता नहीं कब बारिश बंद होगी, कब हम लोग जाएंगे। ये बार कम हो, ये नीचे जो 4 टेंट दिख रहे हैं आपको, हम इन 2 टेंट में हैं। बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू बारिश चल रही है। तो दोस्तों जैसे बारिश बंद होती है हम लोग जाएंगे यहाँ से नीचे गोपेश्वर। बाकी हमारा आज का तो बड़ा प्लान था, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लगभग ये था कि आज हमें कर्णप्रयाग जाना था स्टे करने के लिए और कल मुझे जाना था मायके, लेकिन टाइम के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। 10:30 यहीं हो गई हमें, यहाँ से पता नहीं कब निकलेंगे। जब लगभग 1-2 घंटा तक अगर ये बारिश बंद नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे जाने की, बाकी देखते हैं। तो चलो अब मैं आज की, तो चलो दोस्तों आज की वीडियो, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को तुंगनाथ का जो ये मेरा ब्लॉग था काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.
सो दोस्तों, जैसे कि आगे मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था कि हम लोग कैंप में रुकने वाले हैं और कैंप में रुक के अपना एक्सपीरियंस मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। मैंने क्लिप बनाई थी बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उस दिन, अगले दिन बारिश आ रही, तो फोन मेरा वैसे भी चल ही रहा था, तो मे बी कुछ दिक्कत आ गई या फिर मेरे से कोई वो वीडियो डिलीट हो गई, तो इसलिए अभी मैं जब एडिट कर रही थी तो अब मुझे दिखा कि यार वो वीडियो तो है नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं, कैंप में हमारा रहने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और ऐसा लगा ही नहीं कि हम कैंप के अंदर हैं, बिल्कुल ऐसा लगा था कि किसी होटल में होंगे। और अगर आप लोग भी कभी जाते हो तो जरूर आप लोग जहां पे मैंने बताया वहां पे स्टे कीजिएगा। बहुत ही अच्छा कैंप है, फैसिलिटी हर चीज की आपको वहां पे मिल जाएगी है। और साथ में जो उनकी कैंटीन है वहां पे जो चीज आप लोग को चाहिए, जो चीज आप चाहते हो खाना पीना खाने के लिए, जो आपके मन में होता है वो सब कुछ वहां पे बन जाता है और इजिली बन जाता है, ज्यादा प्राइस भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो कैंप का प्राइस है थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है क्योंकि उन लोगों ने कैंप में इतनी सारी फैसिलिटी दी होती है जो कि होटल में होती है, तो थोड़ा सा इतना तो बनता है उन लोगों का। तो दोस्तों, मुझे वहां पर्सनली फर्स्ट टाइम में कैंप में रही और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया कैंप में रहना। मे बी आगे इन फ्यूचर कभी हम कहीं और ट्रैकिंग करेंगे या फिर कहीं जाएंगे ऐसी जगह, तो जरूर कैंप में ही रुकने की कोशिश करेंगे क्योंकि होटल में तो हम लोग बहुत रुकते हैं लेकिन जो कैंप में रुकने का मजा होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। तो बहुत ही प्यारा लगा हमें वहां पे रुक के। और उस दिन मौसम काफी अच्छा था, मतलब घनघोर था, पूरे दिन बारिश थी उस दिन, लेकिन हम लोगों ने काफी वेट किया और काफी वेट करने के बाद हम लोगों को लगा कि नहीं अब हम लोगों को निकल जाना चाहिए, तो हम लोग वहां से टाइम पे निकल गए। सो चलो, यही मुझे आप लोगों को बताना था कि वहां का एक्सपीरियंस हमारा कैसा था। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कैंप में रुकना। अगर आप लोग भी कभी चोकता तुंगना जाना चाहते हो तो आप लोग जरूर जाइएगा और कैंप में रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा। वैसे तो दोस्तों चोकता में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा टिन वाले कमरे या फिर कैंप ही मिलेंगे क्योंकि वहां पे लोग पर्सनली कोई अपने मकान नहीं बनाते क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां पे लगभग ठंड ही रहती है, बर्फ ही रहता है, तो इसलिए लोग वहां पे मजबूत घर नहीं बनाते हैं क्योंकि वहां पे मजबूत घर बनाना भी उनके लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो वो लोग सिर्फ रहने के लिए, यात्री लोगों के रहने के लिए टिन या फिर ऐसे टेंट वगैरह बनाते हैं। तो आप लोग जाइएगा और जरूर वहां पे स्टे कीजिएगा, आप लोग को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा।